वन विभाग की सख्त कार्रवाई। 390 हरी लकड़ियों से भरे 11 वाहन सीज किए। हनुमानगढ़ मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत है। पौधारोपण के साथ हरे पेड़ों की कटाई और लकड़ियों के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला हनुमानगढ़ में वन विभाग की टीम ने उप वन संरक्षक श्री सुरेश कुमार राबुसरिया के निर्देशन में 390 क्विंटल लकड़ियों से भरे 11 वाहनों को सीज किया है। श्री आबुसरिया ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन गश्त की जा रही है। मोहर क्षेत्र में एक ट्रक एवं दो पिकअप कुल 3 वाहनों में 140 क्विंटल लकड़ी एवं रावतसर में 7 पिकअप एवं एक ट्रैक्टर रेहड़ा वाहनों में 250 क्विंटल लकड़िया सहित वाहन सीज किए हैं। ये कार्रवाई रावतसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री अनूप कुमार शर्मा, मोहर के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सर्वजीव सिंह ने की। इन्होंने वन अधिनियम 1953 की धारा 41 व 42 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए हैं। डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट।